रेडी कर। हालेलुया हालेलुया दी आवाज ने आ रही, भुख लग गई ओए, भुख लग गई, लंगर ला लिए हैं, हम गए शैतान नूं हराउणा ते हम गए जे। और पिछली साइड ते ब्रदर जतिंदर बैठा है, टेस्टिमनी बड़ी तगड़ी है, ते बैठा रहा जतिंदर, अगली साइड ते आए नहीं। किन्ने सालों का केस जतिंदर के उपर चल रहा है, क्यों ब्रदर जतिंदर अगे आ जा मेरे को, जरा आ जा जरा, ताली मारो ब्रदर जतिंदर के वास्ते। इधर देखो, इधर थोड़ा जा ऑक्सीजन रहती, ज्यादा ना मेरी आवाज की समझ लगनी चाहिए है। हालेलुया, सब ध्यान दो, ये ब्रदर जतिंदर आ, इन्हें एड्डी तगड़ी गवाही आ। किन्ने साल तो ब्रदर केस जिहड़ा चल रहा, जिहड़ा केस जमीन का जायदाद का, किन्ने साल तो चल रहा है? चार पाँच साल तो केस चल रहा। कि प्रॉब्लम च रहे, कि बुरा हाल से, कि पैसा दिता, आवाज नहीं क्लीयर सुन रही, इन म्यूजिक को घटा दो थोड़ा, सुनो इधर। चार साल तो पांच साल तो केस की लगते सी ताड़ी, हाँ तुसी आप थोड़ा ताया लगता सी। फिर वेखो ये जगह देखो, प्रोफेसर सी जतिंदर, तू जे जगह दे खड़ा, तेरे केस सारे फ्री होने वास्ते की आ, होए कि नहीं जतिंदर ब्रदर? हो गए, हुण को केस रह गया, टक्कर भी ब्लेस हो गए, केस भी बहाल हो गया, घर भी खुदा ने ब्लैस करता, बच्चा भी ब्लैस करता, तो की रह गया फिर होना, की रह गया? मेरे जीजो मैं चार नहीं क्यों बजाना, क्योंकि मैं सच्चे और जूदे प्रभु की प्रश्तिश करता, कि लोग सुनते हैं, जड़ा अग बिचों बचाने की सामर्थ की करता, जड़ा पानिया चो बचाने की सामर्थ की करता। वेखो ब्रदर नू सब तो वड्डा मैं इतने क्यों खुश हाँ, एक ही चर्च च अड़े और खड़े रहे, इन्होंने चर्च नहीं चेंज किया, इन्हें सिर्फ प्रभु के वचना सुन के ते अपने आप को चेंज किया, कि लोग सुनते हैं, कि लोग सुनते, केस फ्री होए। अज उ बंदा, इन्होंने मम्मी ने बोलिया, पास्टर जी जिहड़ा तुसीं वचन दिता ही कि ताडे दुश्मन ताडे अगे आण के झुक जाणगे, बाइबल च लिखिया कि जो मनुख की चाल सीधी होंदी आ, उहदे वैरियां दे नाल उहनां दा मेल करा के आए। डायलॉग अच्छा नहीं लगा? उपरा बाइबल पढ़िया करो, जाओ को रबली भी कर लिए, जागली तो बड़ा खट लिया, बड़ी गुडिया गड्डिया डालिया, जिदा कोई भी फायदा, जिन्ना भी तुम परमेश्वर च हलीन पढ़ोगे उन्नी ब्लैसिंग्स होएगी। फिर उस तो बाद ब्रदर जी ताडे केस बिल्कुल ओके हो गए। मैक चुची बोले, जरा मैक पढ़ा दी, जरा किन्ने केस से बोलो? किन्ने? सात आठ केस सी, पर कीता की लगातार वर्शिप। ये रात को ब्रदर रोज़ 12 तो 2 की प्रेयर करता, मैंने इन्होंने घर में जो गया, इन्हें मम्मी कहती भी बस हो गया टाइम, अलार्म लाते उस वेले उठ के प्रेयर करने की कर जाते। तुसी करोगे तो प्रभु भी किया, तुसी नहीं करोगे तो प्रभु भी, तुसी सौंगे तो प्रभु भी ताड़ी अगवाइयां नूं सवा देगा, कि लोग सुनते। इधर यो चर्च है जिहड़ा मुरदियां नूं जान दे रहा, खड़े खलोते बंदे जिहड़े अज रो रहे, कारण क्योंकि सही चर्च की पहचान नहीं है उन्होंने। चर्च मैं कोई गलत नहीं कहता, क्योंकि जिहड़ा बंदा बाइबल नूं फॉलो करता, पुछो इन्होंने सामर्थ पाई आ, इन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, पर विश्वास के नाल जो प्रभु के वचन नूं बोलते हैं तो खुदा अपने कामां नूं करता, कि लोग सुनते हैं। जबूर 107 की भी ऐच लिखा, वो अपना वचन कल के उन्होंने चंगा करता, तो उन्होंने वाली तबाही तो 7 केस गए, पूरी खुरली डंगरां दे नाल भरती। मेरे द्वारा खुदा ने भविष्यवाणी की थी कि ब्रदर इन्हें मैं कर गया, उदो ब्रदर नहीं मिले, इन्हें मम्मी ने मैं बोलिया, खुदा ने मैनूं दस्या कि तुहाडे पूरा मैं देखिया, मैं भर गया तुहाडा सारे डंगर ब्लैसिया। खुदा के दास वड्डे संतां ने एक वर्ड दिता, बाइबल दे विच लिखिया जो कूचता एक वचन मैं पढ़ांगा, तुसीं मेरे लागे खड़े रहना 2 मिनट, मैं नाल नाल वचन बोलांगा, नाल तुहाडी गवाही देवांगा। देखो कूच की किताब के विच एक वचन दिता, किन्ने लोगों नूं पता वा? हालेलुया, कूच छब्बी मेरे संतां ने दित्ती, की लिखा? तुहाडी धरती विच किसी का गर्भ ना डिगेगा, ना कोई संड रहेगी, मैं तुहाडे दिनां दा लेखा पूरा करांगा, सब बोले आमीन। ए वर्ड सी,
ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਰਭ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਬਈ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਢੋਲ ਧਮਾਕੇ ਵੱਜਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਢੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਹਰਿੰਦਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੱਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ लेट है ते ग्रेट है मैं हर संडे के ना एक गवाहियां ताडे लिए आ तुसी विश्वास करो भावें केस है भावें बच्चा कुछ भी आ विश्वास लाना शुरू करो प्रभु देन वास्ते जा रहा वा प्रभु करन वास्ते जा रहा ठीक है ब्रदर तारीफ करो ब्रदर दे वास्ते हेलो देखो मेरे जीजो परमेश्वर किन्ना दा जिहड़े उहदे विच बणे रहिंदे आ जिहड़े उहदे विच अड़े और खड़े किसी दे मंगर ला के चर्च नहीं चेंज करना जे चर्च छड्डोगे ते ओह ताडी बदकिस्मती होगी मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम सही किया क्योंकि जितने सानू सख्त ताड़ना मिलती है वो चर्च नू कदी नहीं छड्डीदा उही चर्च है जिहड़ा तुहानू स्वर्ग वास्ते तैयार कर रहा किन्ने लोग सुनते हैं आमीन अज आपां थर्ड तीन गल्लां सिखांगे मत्ती दी इंजील उहदा 6 अध्याय उहदी 25 आयत तों शुरू करांगे अज बहुत सारे लोग जिहड़े चिंता करदे आ ते मेरा टॉपिक है चिंता दी किन्ने लोग चिंता करदे आ हाए की खावांगे की पावांगे की पहनांगे ये चिंता प्रभु दे चेलियां भी कीती आ बाइबल च लिखिया इस करके लिखो अपनी डायरी दे टॉपिक थोड़ा होर डाउन कर हालेलुया होर हालेलुया सब ध्यान दे के सुनो हुण अज दा जिहड़ा अपना टाइटल आ टॉपिक आ कादे ते आ सारे बोलो चिंता दे सानू चिंता अपनी इधर रब सब की चिंता की है बाइबल दे विच लिखिया कि जब इंसान सौंदा तो प्रभु जब अपनी मुट्ठी नू की करता बोलता किन्ने लोगों नू पता ताडे सराहणे ते प्रभु रख जाता किन्ने लोग सुनते आ रख जाता कि नहीं फेत करने वाले वास्ते फेत 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 जिहड़े विश्वास करते आ जिहड़ा बाइबल नहीं पढ़ता वर्शिप नहीं करता उन्हूं नहीं पता वो नहीं कह सकता क्योंकि वेखो वचन ये खुदा की बाणी आ लिखा इस करके मैं तुहानू आखदा हाँ जो अपने प्राणा लई चिंता ना करो प्रभु यीशु किन्हां नू कह रहा चेलियां नू कि अपने प्राणा लई चिंता ना करो कि असीं की खावांगे की पीवांगे जां की पहनांगे किन्ने लोग सुणदे आ प्रभु यीशु ने तीन गल्लां कहियां प्रभु ने कहा अपने प्राणा लई चिंता ना करो की खावांगे की पीवांगे ते की पहनांगे शरीर दे उपर की पहनांगे खुदा ने की आख्या इन्हां गल्लां दी चिंता ये चिंता केड़े लोग करते जेडे बाइबल नहीं पढ़ते चिंता केड़े करते आ जेडे प्रेयर नहीं करते जेडे फास्टिंग नहीं करते जेडे प्रभु की हजूरी दे विच नहीं आउंदे उन्हां नू चिंता वा क्योंकि बाइबल च लिखा जबूर 34 दी जदों आपां 9 आयत पढ़ते हाँ उहदी 10 और 9 आयत च की लिखा बाइबल च लिखा शेर बच्चे नू काटा पैंदा नाल नाल कमरन नाल ही घुमाउणा नू ढिल्ला करना पड़ा हालेलुया लिखा शेर बच्चे नू काटा पैंदा ते भुख की हुंदी आ पर मैं दास नू किसे भी चंगी वस्तु की थोड़ होना दस चाहिए ना वो ना गुड्डिया डाउन वाला वे है जो गुड्डी डाउन वाला तो घाटा ही रहना वा लिखा ही यहावा दे संतो उस तो डरो उद को डरने वाले नू कहीं भी गल दी थोड़ की आ तारीफ करो फिर तो मेरे भैन भरा जो तुम अमीर होना चाहते ब्लैस होना चाहते गरीबी चो बाहर निकलना चाहते तो फिर प्रभु के वचना से ध्यान दे के चलना पैना मजाकी मसीह नहीं बनना दिल किता बाइबल खोल ली दिल किता चर्च आ गए दिल किता रोजा रख लिया दिल किता वर्शिप कर ली दिल किता दान देता इन्हां दे नाल प्रभु दा कोई वादा नहीं किन्ने लोग सुनते हैं अपना हाथ दिखाया करो जो तुहानू समझ लग रही है यस हुण इत्थे प्रभु यीशु अपने चेलियां नू की कह रहा अगे की लिखा भला प्राण भोजन नालों अते शरीर वस्त्र नालों वधीक हन हुण वेखो अज जिहड़ी आपां 26 नंबरे दी आयत पढ़न जा रहे हां इहनू बड़े ध्यान नाल सुनना की आख्या परमेश्वर प्रभु यीशु ने आख्या आकाश के पंछियों वल ध्यान करो जो वह ना बीज दे ना वढ़ते हैं ना ही पड़ोलिया च इकट्ठा करते हैं तुहाडा स्वर्गी पिता उन्हां दी विपरीत पाल करता भला तुसी उन्हां नूं उत्तम नहीं हो सब बोलो आमीन
ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਤੁਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸੱਚ ਧੱਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦਏਗਾ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਕੀ ਆ ਜਾਜ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਜ ਜੇ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਜੂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਦੀਦਾ ਤਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ सब तो महंगी लकड़ दो उन्हें कहा इन्नी महंगी लकड़ की करनी खुदा दे दास सुलेमान ने क्या कहा कि मेरा परमेश्वर सारे देवत्यां दे नालों की है हाँ असी पेंट शर्ट वो खरीदनी जिहड़ी सब तो महंगी होवे अपने दास दे वास्ते ते प्रभु तुहानूं भी वो महंगी चीज़ां देवेगा जिन्हें लोग सुनते तारीफ उच्चा मीन उच्चिया मेरे जीजो जे तुम बरकतों में ब्लैस होना तो फिर तुम पता कि जिस तरह का ही कदम पुटांगे उस तरह का अगले प्रभु भी की करेगा समझ आई बीज देना बंद नहीं करना हूँ इस जगह से प्रभु ने कहा वही पंछियों वाल ध्यान करो वो ना वो बीजते ना वो वढ़ते तो ना ही भड़ोलिया इकट्ठा करते तो परमेश्वर उन्होंने भी की करता उन्होंने भी की करता परमेश्वर ने यह नहीं किया मत्ती छेती तीजी लिखा तू मेरे धर्म और राज की खोज कर मैं तेन धरती दारिया वस्तां भी की करांगा तवेगा ना प्रभु कहता पहले चर्च जा वर्शिप कर मेरे दाद की गल मन वह तेन दसेगा बाइबल दे विच लिखा कि जो तो विधवा आ एलीशा दे कोल ने बोलिया परमेश्वर तेरा जन परमेश्वर दे जन जो मेरा पति तेरा दास ही तेरे नाल रहिंदा सी उहदी डैथ हो चुकी आ मैं कर्ज लिया सी और मेरे बच्चों नूं लैण दे बंदी बनाउण वास्ते की हो गया हालेलुया हुण मेरी गल सुनो जदों अलीशा दे कोल ओह सिस्टर आई आ अलीशा ने ओह जगह ते ओहदे नाल गया कि उहने कपॉट दित्ता हालेलुया ओहदे नाल गया कि की कीता कि अलीशा ओहदे नाल गया कि जां उहने इक प्रैक्टिकल वर्ड दित्ता उच्ची आवाज बोलो जिन्हें बाइबल पढ़ी वो जानते हैं जिन्हें नहीं पढ़ी उन्होंने कोई कुछ पता नहीं पर उन्होंने भी पता होना चाहिए लिखे प्रभु के दास ने कहा बीबी मैं तेरे वास्ते की करा सुनो जो ने बोलिया कि जा की कर उन्हें कहा जा अपने गवांढ़ियों के कोलों सारे भांडे की कर ला मंग ला वो थोड़े ना होण ते तेल मेरे को लै जा हुण तेल की सी परमेश्वर का वचन ते पांडे की सी कलीसिया प्रभु दे दास ने कहा वचन ले जा ते जाके उन्होंने अंदर की कर दे भर दे ते अपना कर्जा ला ला ते बाकी की कर ला इधर वेखो मैं तुहाडे च भरदा कि नहीं पर तुहाडे अंदरों बच कढदा वी आ दसवें हिस्से दे द्वारा इधर दे द्वारा आओ काम द्वारा क्योंकि मेरा काम है तुहानू भरना उस तो बाद तुहाडे विचों बाहर की करना तारीफ करो जोर दे नाल समय लग रही समय लगी मेरे को मैं तेन एक प्लैन देवगा कम उस प्लैन से कम करना ते आप भी देना खाना ते खुदा दे भवन में भी लैके की करना हूँ मारो ताली वेरी गुड उस तो बाद दसिया कि जब उन्हें वर्ड लिया कर गई उन्हें भांडे लाते दसा कि तेल आना की हो गया जो तो तेल निकलता जा रहा उस तो बाद उन्हें वेख्या वो बच्चे आख्या मम्मी सारे भांडे भर गए हूँ कोई भांडा नहीं रह गया तो उस वेले तेल की हो गया बंद फिर जो तो फिर देखो पहले वॉइड लैके गई तो जो तो ब्लैस हुई फिर प्रभु के दास को गई उन्हें जाके दसिया कि परमेश्वर के जन इस तरीके मैं खुदा ने ब्लैस किया आ तेल ते प्रभु के दास ने क्या आख्या हूँ इदा कर इनू जाके वेच तो अपना कर्जा की कर दे तो जोड़ा रह गया वो अपना गुजारा की है हूँ कितों प्लैन मिलता दास को कि अपनी मर्जी ना ही बोलो जे तुम चर चाहते इतों तुम्हें दसा जाना तुम घर बह के कुछ नहीं सीख सकते दास को जाओगे वो तुम दसेगा भैन जी फास्टिंग करो टाइद कदो आ करो जे करो वो करो तो ब्लैस हो जाओगे तो गवांढ़ियों हैरान कर दोगे जिन्हें लोग सुनते हैं
तारीफ करो जोर दे नाल परमेश्वर दी, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड आज हमारे जीवन च होना बड़ा जरूरी है। पता लगा अपने अगुवे के द्वारा कितना ब्लैसिंग मिलती है, उसकी गल नू मनना, उन्हें फॉलो करना, उसके हर गल से चलना, फिर तुसी ब्लैस हो सकते। हुण इत्थे की लिखा, प्रभु यीशु ने की बोलिया कि ना इकट्ठा कर दे ना भड़ोलिया च जमा कर दे। प्रभु उन्हां दी विपरीत पाल की है करदा। अगले क्या अते तुहाडे विचों किहड़ा है जिहड़ा चिंता करके अपनी उम्र दा इक वी पल वधा की है। समझ आई? वो तुहाडे चों किहड़ा वा जिहड़ा चिंता करके एक सैकंड भी उपर चल जाए उहदी उम्र, हो सकदा? समझ आई? समझ के जवाब दो। बाइबल दे विच लिखा प्रभु ने आख्या तुहाडे विचों किहड़ा वा जिहड़ा चिंता करके अपनी उम्र दा इक वी पल वधा, ते जिहड़ा काम हो ही नहीं सकता तो उहदे लई चिंता क्यों, चिंता क्यों करनी भी? परमेश्वर ने आखा तुहाडे चों किहड़ा वा जिहड़ा चिंता करके, मान लो तुसीं तुहाडी संडे च मौत होनी आ, तुसीं सोमवार तक नहीं जा सकते, तुहाडी संडे च ही होएगी। इस करके प्रभु ने कोई चिंता ही करनी की कर दो। हालेलुया। इधर जे चाहते भी साढ़े घर बरकत ना भरन तो परमेश्वर के घर च दसवां हिस्सा बेचना की कर दो, की कर दो। फिर वेखो कबाला, तो जे कल्ले खाना कल्ले टकार मारने तो मारी जाओ, रहना सारी जिंदगी है ना ही है नहीं है नहीं कितों दे हैगा नहीं, क्योंकि तुम प्रभु ने नहीं दिता तो परमेश्वर ने तुम्हें नहीं दिता। हूँ वह भैन की गवाही देखो, 11,000 वो सैलरी लेंदे, उन्हें 1,100 रुपया ताज दे दिता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जे तुम जो प्रभु तुम दिता फिर तुम नहीं दोगे, उस गलती ताकि है परमेश्वर की नहीं, उन्हें दिता। दो दिन पहले कि मैं दर्शन वेखा सिस्टर के घर, हरिंद्रा भैन के घर मैं गया, इन्हें खाना बनाया, बड़ी सेवा की भैन ने। मैं जो जो जान लगा मैं लास्ट प्रेयर की, प्रभु की आत्मा ने मैंने दिखाया जिदा मेरे हाथ च बाल्टी आ, तो मैं लंगर डिया मरता, मैं 2 मिनट बाद भाजी फुट पास से जाके खाना खा के आ गए। मैं आमी ठीक है प्रभु में जा। रात के समय मैं खुदा की दासी जो अं मजीठे गए उत्ते, जो आप कुछ कोई घर का समान लैन डे, तो एक बंदा सी वो मैंने मिल पाया, मैंने कहता हाथ जुड़ लिया भाजी की गल पैसे चाहिए आ? नहीं नहीं मैंने पैसे नहीं चाहिए, मैं आटा लै दो, मैंने आटा लै दो, मैंने पैसे नहीं चाहिए। मैं कहा उन्हें पता भी पैसे अजक लोग खा के तो पुठे काम करते हैं। फिर मैं चल मैं आटा कि लेना ही, जो दुकान च उन्हें आटा लिया, उन्होंने पैसे दिते। उस तो बाद 2 मिनट बाद मैंने वो दर्शन याद आया कि गुरु खुदा ने मैंने वो चीज़ विखाई, तू कि रोटी की कर। देखो दर्शन जो परमेश्वर अपने पूरे करता, तुम समझ होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए आ। परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा गल करता, उन्हें बड़िया मैंने शीसा दीदिया, कहता परमेश्वर तेरा भला करे, तेरे बच्चों का भला हो, मेरे बच्चे अज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, अज अज मैं मेरे बेटियां घर। मैं क्या कोई नहीं लाया यार, खुदा तेन होर ब्लैस करे। उन्होंने ये नहीं पता पे अगले महीने परमेश्वर का बंदा वा मेरे जीजो, जे तुम जोड़ोगे रखोगे कि मदद नहीं ना करोगे तो वह कोई भी फायदा। इधर रोजा रख के चलो कि किन्ने रोजा 40 रोजे रखन डे आ, रखन डे ना, पर कारण की बाइबल च पहले की आ, कहता जो यशायाह नूं पढ़दे 58 आंदा जे तू रोजा रखदा पहले नंबर ते भुखे नूं रोटी खवा, किन्ने लोग सुनदे। इधर भुखे नूं रोटी खवा, नंगे नूं कपड़ा दे, मस्कीन नूं अपने घर विच लै गया, ते अपने मित्रां तों अपना मूंह किया, किन्ने लोकां नूं समझाई आ, रख लिया जी रोजा, ते बोलन दिया घर दिया नूं भी गलत, जे कोई मंगण वाला गया तो उहनूं गालां कड्ढ डिया गई ये रोजा कोई। इधर रोजे का मतलब किसी का भला करना, रोजे का मतलब कि हेल्प करनी, इन कहते रोजा, कला ढिड साड़न का रोजा नहीं, पिंदर वड़ के तो ढिड साड़ी जाते, तो बाहर निकल के दीदी भैन की करनी स्टार्ट करते, वो रोजा नहीं है। मेरे चीजों सारिया गलों समझना, तो तुम बाइबल पढ़ना पैना, समझना पैना, फिर तुम समझ लगनी की करना सी, किवें करना सी, होना किवें सी। आमी मदद करनी शुरू करो, लोगों को हेल्प करा करो, फुटपाथ से जाओ दो। बाइबल च लिखा एक तां दे प्रभु ने आख्या जो तुम पढ़ते मत्ती की अंजील 25:31 प्रभु के वचन च लिखा, उत्ते लिखा खब्बे बन्ने वाले ते सज्जे बन्ने वाले, क्रिश्चन दो दे बारे दस्या लिखा, जिहड़े खब्बे बन्ने आ वह कड़े आ वह बकरियां, जिहड़े सज्जे बन्ने आ वह परमेश्वर दीआं भेंटां। पहले नंबर ते आवाज आई बकरियां दी, कहिंदा मैं अपने आप को गया आंदा मैं बीमार सी, मैं भुखा सी, इधर मैं बीमार सी, मैं भुखा सी, तुसी मेरे लिए मैनू मैं काटी देवगा अच्छे तरीके ने अपना, तो मैं चंकी तरह क्लीयर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लंबे समय तो सुने होंगे, उस करके मैं स्टेक पूरा क्लीयर करा।
सामने ना खोलो, देखो मेरे जीजो की लिखा। सब तो पहला लिखा, जब मनुख का पुत्र तेज नाल अपने सारे दूतों सने आवेगा, तद वो अपने तेज के सिंघासन उत्ते बैठेगा। कितने बैठेगा? तेज के सिंघासन ते। अते सब कौमां उहदे अगे इकट्ठियां कीतियां जाणगियां, जिस तरह अजाली भेडां नूं बकरियां अते विचों वक्खरा करदा, उस तरह वह उन्हां नूं एक दूजे तों वक्खरा करेगा। लिखा अते वह भेडां सज्जे पासे अते बकरियां नूं खब्बे पासे खड़ा किया करेगा। किने लोगों ने समझाई आ भेडा किधर जाणगियां? भी इधर भेडा ते बकरियां, बकरियां दा फिर पता जिधर हैगा बंदा, शैतान बकरी है ना, उन्हों खब्बा बन्ने मिलना। अगले कहता है तद पातशाह उन्हां नूं जिहड़े सज्जे पासे होणगे आखेगा, हे मेरे पिता दे मुबारक लोगो, आओ जिहड़ा राज संसार दे मुद्दों तुहाडे लई तैयार कीता होया है, उहदे वारस होवो। सब बोले आमीन। उहदे की होवो? प्रभु ने कहा राज संसार दे मुद्दे तों पहले मैं घर बनाया। किहनां नूं कहा? बकरियां नूं कि भेडां नूं? हुण भेड बन्ना कि बकरी? जे खाना नहीं किसी खवाना, कि मदद नहीं करनी, कोई घर मंगण आ गया संसारी चीज वो नहीं देनी, तो सब लोग बकरी हाँ। अगे सानू भी वो कुछ मिलना। अगे की लिखा सुनो, लिखा क्यों जो मैं भुखा सा तुसी मैनू खाना दिता, मैं त्याया सा तुसी मैनू पियाया, मैं परदेसी सा तुसी मैनू अपने घर उतारिया, मैं नंगा सा तुसा मैनू पहनाया, मैं रोगी सा तुसा मेरी खबर ली, मैं कैदी सा तुसी मेरे कोल आए। क्या अगे लिखा तद धर्मी लोग उत्तर देंगे, प्रभु जी तुसी कद, प्रभु जी असी कद तुहानू भुखा वेख्या अते तुहानू खवाया, जां ते हया वेख्या पिलाया। हुण ध्यान दे के सुनना, लिखा कदे तुसी परदेसी है, कदे असां तेनू परदेसी वेख्या अपने घर उतारिया, जां नंगा वेख्या ते पहनाया, कद असां तेनू रोगी अते कैदी वेख्या अते तेरे कोल आए। पातशाह उन्हां नूं उत्तर देवेगा। हुण पातशाह कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु। लिखा पातशाह उन्हां नूं उत्तर देवेगा, मैं तुहानूं सत आखदा कि जद तुसीं मेरे इन्हां छोटिया भरावां विचों एक नाल इह कीता तां मेरे नाल इह कीता। सब बोले आमीन। इधर समझ आई होए? सिर तों लंघिया जे बुलडोजर लंघिया सिर तों दी, जिन्ना चिर तुसीं मेरे वर्गे नहीं ना बणोगे पुत्त तां तक तां टैमिस रहणी आ। मैं कहना मैं कुछ भी नहीं है, मैं एक छोटा जहा बच्चा वा, पर छोटा आ पर बड़े ध्यान खुदा की आवाज सुनता। हूँ मैं किड्डी तगड़ी प्लैन पढ़ गया, पर गए तो चक्कर पता कि प्लैन भी बढ़ा गया, इन्होंने टाइम कोई भी नहीं लगा। दो चर्च च टाइम पास हो गया, जितने बाई खाते खुलने पता तो फिर लगना करना की तो हैगी। उत्थे मैं जाना जो फुट फुट फुले भुजे ना जो अग दे, उत्थे पता लगना। इतने मेहनत करी दी आ तो मैं मेहनत करवा। हुण एडा वड्डा डायलॉग तुसीं सुनिया, इन्ना वड्डा परमेश्वर का वर्ड सुनिया, पर तुसीं ध्यान ही नहीं किया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जिन्ना सुनो, लिखे पातशाह ने उत्तर दिता, पातशाह ने उन्होंने उत्तर दिता, मैं तुहानूं सत आखदा हाँ कि जद तुसीं मेरे इन्हों छोटिया भरावों विचों एक नाल कीता तुसीं मेरे नाल ही। इतने दो तरह के ख्याल कह सकते हैं, इतने दो तरह के, एक दास भी समझ सकते हैं तो दूसरा नंबर फुटपास वाले लोग, आप फुटपास वाले लोग ही समझा। ठीक है, प्रभु ने कहा उन्होंने भरावों को जिन्हें दिता उन्ना खाधा, तो समझ लो मैं ही कर लिया खा लिया। अगली साइड तुम सुनो, हूँ आ गए जे खब्बे पासे वाले, किहड़े जिहड़े ध्यान नहीं देंदे उन्होंने, उन्होंने बारे बोलन लगा जी, सुनो ध्यान ना। 41 है लिखा तत् जिहड़े खब्बे पासे होण उन्हां नूं वी उह कहेगा, हे शराब, हे शराबे होए मेरे कोलों सदीपक अग विच चले जाओ, जिहड़े शैतान दे दूतां लई तैयार कीती होई है। किहनां नूं कहेगा परमेश्वर? अज ध्यान गल नहीं सुन दे, परमेश्वर ने खब्बे बन्ने वालों नूं आख्या, तद जिहड़े खब्बे पासे होणगे उन्हां नूं वी कहा, हे शराबे होयो मेरे कोलों सदीपक अग विच चले जाओ, जिहड़ी शैतान ते उहदे दूतां लई तैयार कीती होई है। हुण सुनो, क्यों जो मैं भुखा सा तुसा मैनूं खवाया ना खवाया, मैं त्याया सा तुसा मैनूं ना पियाया। ये कौन कह रहा? प्रभु यीशु किन्हां नूं कह रहा? जिन्होंने किसी की मदद नहीं की, जिन्हें किसी की हैल्प नहीं की, भुखिया नूं वेखण नूं रोटी नहीं खवाई, कल्ले रोजे रखी गए तगड़े हो गए। प्रभु कहता फुटपाथ ते जाके मदद कर, कह तेनूं मैं क्यों इन्ना बीज दिता, जाओ जी मदद कर। हालेलुया, समझ आई कि नहीं आई?
लिखा मैं परदेसी सा तुसा मैनू अपने घर ना उतारिया, मैं नंगा सा तुसा मैनू ना पहनाया, मैं रोगी सा अते तुसा मेरी खबर ना ली। कौन कह रहा जी? बोलो। ये परमेश्वर कह रहा जेड़े वेख के भी मदद नहीं कहती करते, पता वे पैरी जुत्ती नहीं आ, पता वे को कपड़ा नहीं आ, हेल्प करनी मेरी जी जो भी मैं हेल्प दे बचने। अगली कह तत् वो भी उत्तर देंगे, प्रभु जी असी कद तेन भुखा जा त्याया जा परदेसी जा रोगी जा कैदी अते अते तेरी टहल ना की। हुण सुनो लिखा तत् वो उन्होंने उत्तर देवेगा, मैं तेन सत आखदा हाँ कि जब तुसी इन्हां छोटिया विचों एक नाल ना किया तो मेरे नाल भी ना। सुनो प्रभु ने कहा तुसी एक बंदे नूं रोटी नहीं खवाई, किसी नूं मेडिसिन नहीं लैके दित्ती, किसी की मदद नहीं की, तो समझ लो तुसी मैनू नहीं दिता। इधर समझ के लोगों को समझा रही भाइयों विचों, समझ रहे? जो बाइबल सुननी उन्हों कन्न खोल के इदा खड़ गया सुननी है कि बोल की रहे ने। अज का वचन है हैल्प, फुटपाथ उपर हैल्प करके आओ अपने चर्च में। जो कोई गरीब बंदा थोड़ा खाना खुना पाओ, घर बुलाया करो, इनवाइट करो, रोटी खाओ। हुण वेखो परमेश्वर ने उन्होंने की आख्या जेडे खब्बे बनने अंधे, तद उन्होंने तद उन्हें उन्होंने उत्तर देवेगा, मैं तेन सत आखदा कि जब तुम इन्ह छोटिया तो विचों एक नाल ये ना किया तो तू मेरे नाल भी ये किया ना किया। हुण अगे लिखा अते इस दीपक सजा दे योग होणगे पर धर्मी सदा दे पर धर्मी सदीपक जीवन विच। किन्ने लोग सुनते जिन्होंने गल नहीं मनी खब्बे वाले ने, इस दीपक अग विच जाणगे। ते जिहड़े धर्मी बंदे जिहड़े चर्च आउंदे वचन सुनदे वचन ते चलदे दान देंदे मदद करदे ते प्रभु ने कहा उस दीपक जीवन विच की करनगे। हुण मारो ताली। समझ लगी है हुण फिर देना चाहिए कि नहीं? रोटी खवानी चाहिए है। ब्रदर जज कह रहे थे आप जो ईस्टर का प्रोग्राम करना, कोई नहीं संत जी दियो मैं मौका दियो। मैं कोई नहीं ठीक है, पर मेरे जी साथी अलग चीज़ आ जी आप बंद जिदा रात के समय मैं बंदा मिलया इस तरह भी किसी की मदद करनी है। कोई गरीब की मदद करो, बीमार उन्होंने मेडिसिन लैके दो, को कपड़े नहीं दो तो बाइबल कहती मैं नहीं कहता। जो तुम दान देंदे तो वर्शिप करते तो प्रभु ने कहा भी सारे कानून करने हैं, यही कि वो कर लिया तो दूजा छड़ता, ये तीन कर ले तो पांच छड़ दी, पांच कर ले तो दस छड़ दे, सारे ही करने के लोग सुनते सारे करने, कोई छड़ना नहीं, सब कुछ करना। आमीन। किन लोगों ने समझाई जान क्यों ब्रदर जी की करना चाहिए, मदद करनी कि नहीं करनी? कलीसिया उच्ची आवाज क्यों नहीं बोलते? दोगे दिता पूरा दब दब के हिला हिला के, तो प्रभु ने कहा डोलता डोलता ताडे पल्ले की करांगा पावांगा। दो ते दिता गया दौत वांगू नच नच के वर्शिप ते करनी आ, पर जिते करन दा काम पर प्रभु करे कर इन्हां दे उत्ते तावां क्योंकि दे नहीं रहे ये कर नहीं रहे इन्हां दे घर दे विच सब तो ज़्यादा कर कर विच करजे नूं लैके प्रॉब्लम आ जिन्हें करजे थे इन्होंने उपर इन्होंने बोलते धनवाद शुरू करो वचन पर चलना शुरू करो। ताकि एक ही कमजोरी आ सत दिन का फास्टिंग लोग नहीं करते, बाइबल और प्रेयर लगातार तो मन में दो चीज़ा धार प्रभु मैं देवगा तुम मैं दिता मैं करागा और ये भी करे सब बोले आप भी। हम अगली साइड से की लिखा जिदी मैं 28 नंबर ऐत पढ़ता चिंता वाली लिखा तो वस्त्रा लिए चिंता कानू चिंता करते हो जंगली शोषण नू वेखो जो ओ क्यूकर पाते हैं वो ना मेहनत करते ना कतते हैं। किन्ने लोग सुनते ना मेहनत करते तो ना ही की आ तो सिर्फ अपना रिश्ता प्रभु ने मजबूत करना बाकी काम किन्ने करने आ। आमीन। लिखा पर मैं तुहानू कहिंदा हाँ कि सिलेमान अपनी सारी पड़क विच एक जिहा ना एक जिहा पहनया होया ना सी। देखो सिलेमान किड्डा वड्डा राजा ही, प्रभु ने कहा जेड़े मैं जंगली शोषणा नू कपड़े पवाते जिदा दे उन्होंने मैं खल लाती जिदा दे पंख लाते, तो सिलेमान एडा वड्डा राजा ही उन्हें कभी भी इदा दा वस्त्र नहीं सी पाया। किन्ने लोग सुनते आ तारीफ करो जोर दे नाल। अगे हुण सुनो हुण वेखो प्रभु शैतान दे बारे कह रहे अज शैतान दे लोग किद को मंगदे आ। हालेलुया। ये ऐत जी दसेगी जेडे दुष्ट नू लोग मानते दुष्ट नू प्रसन्न करते हैं परमेश्वर उन्होंने भी देता जी। सुनो लिखा सो परमेश्वर जंगली बूटी नू जेड़ी अज है अते भल के तंदूर विच चौंकी जाती है
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ अगली साइड ते की लिखा सुनो लिखा तुसी चिंता करके ये ना आखो की खावांगे की पीवांगे जा की पहनांगे ए चिंता की दिया ताडा काम है करैक्टर च रहना धन्यवाद करना प्रभु दे नाल वफादार रहना अगली चिंता की दिया तुसी मेहनत भी करनी ओनी मेहनत छड के बैठो भी नहीं हुण प्रभु तू सुट दे तो नहीं प्रभु ताडे वास्ते डिवाइन हेल्पर भेजेगा ताडे वास्ते चिन्ह ताडे जिंदगी च होणगे प्रभु तुहानू तो लोग मिलने जेडे ताडी हेल्प करनगे पर ताडा काम आ उस काम नू वफादारी दे नाल करना जे तुहानू मिलदा तुसी वी अपना वफादारी नाल चर्च च लैके गिया आउणा हुण की लिखिया अगली साइड ते लिखिया पराईयां कौमां दे लोक तां इन्हां सभनां वस्तां नू भालदे हन की करदे आ पराईयां कौमां दे मतलब जेडे मसीह च नहीं आए प्रभु ने कहा सारी वस्तां नू भालदे आ क्यों जो ताडा स्वर्गी पिता जानदा है जो तुहानू इन्हां सभनां वस्तां दी की है चोर दी मारो पला रोटी वाली वेरी गुड टाइम नाना शुरू कर दो मैं भी टाइम ना समाप्ति करांगा तुसी आना 12 दो तो मैं भी फिर गया 4 चार मजा आता इवनिंग मीटिंग भी नाल हो जांदी है आफ्टरनून चला जांदा ते नाल इवनिंग स्टार्ट हो जांदी है आमीन हुण की लिखिया समझ लगी मैनूं लगदा समझ नहीं आई पर परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा पराईयां कौमां दे लोक इन्हां सारियां चीज़ां दे मगर की करदे आ वो गड्डी मिल जाए कोई आ मिल जाए वो बाहर चल जाइए प्रभु कहता मैं सारिया मैं तुम की करांगा मैनू पता तुम इन्होंने सारी अवस्था की है प्रभु कहता मैं कहना मैं पता वा मैं तेन देना तो बाकी लोगों का ध्यान कितने संसार की चीजा स्पोर्ट्स गड्डिया एंड्रॉयड फोन एपलॉन एटिंग शैतान बड़ा चलाक उन्हें ध्यान ही लोगों का किधर लाता धरती दीजा समय लगी प्रभु ने कहा पराईया कौमां दे लोक इन्हां सभनां वस्तां नूं पालदे हन पालदे विच लभदे आ पर प्रभु यीशु कहिंदा तुहाडे स्वर्गी पिता जानदा कि तुहानूं इन्हां सारियां वस्तां दी की है ओए तुसीं दान दिंदे मैं तुहानूं बच्चा देण जा रहा तुसीं मेरे दास नाल मिल के जा रहे तुहानूं मैं ब्लैस करन जा रहा मैं तुहाडे घर बता रहा समझ आई प्रभु कहिंदा लोक मंगदे पर तुसीं नहीं मंगणा सिर्फ प्रेयर करनी फास्टिंग करना अपनी मेहनत करनी चर्च लगातार होना ते प्रभु दे हुक्मां नूं मनणा ते प्रभु ने कहा मैं तुहाडे मंगण तों पहलां की कर दांगा इधर आशीष आ गई इधर आ गई आ ते मंगी नहीं आ भी आ गई प्रभु ने कहा मैं तेनूं आशीषां दे नाल ब्लेस करांगा किन्ने लोक सुणदे आ अज दा टॉपिक आशीष दा वा आ जिन्ना तुसीं प्रभु दे नाल फेथ च बढ़ोगे विश्वास च बढ़ोगे वचनां ते विश्वास करोगे ते खुदा तुहानूं इक लंबी आशीष देवेगा किन्ने लोक सुणदे आ हुण तूं लास्ट वाली आज सुनो लिखा पर तुसी पहला ओदे राज अते ओदे धर्म नू पालो तां ये सारियां वस्तां भी दित्तियां प्रभु ने कहा पहला मैनू पाल मेरे वल वेख मेरे हुक्म नू मन समझ लगी प्रभु ने कहा पहला मेरे वचन नू सुन ओदी आवाज सुन ओदी हुक्मां ते चल ते प्रभु ने मैं तेनू सारियां वस्तां भी देण वास्ते किया बच्चा मंगन की लड़ नहीं आ प्रभु ने कहा मैं देने वास्ते जा रहा घर मंगन की लड़ नहीं प्रभु ने कहा मैं देने वास्ते जा रहा समझ आ रही कि नहीं आ रही किने लोग समझ रहे आमीन हुण लास्ट याद रह गया लिखा सो तुसी पलके लिए चिंता इधर पलके लिए चिंता पलके अपनी चिंता आप ही किया सारे मेरे मगर बोलो दिन चढ़ेगा तो फिक्र की होएगा तुसी नहीं फिक्र करना दिन चढ़ेगा तो अपना फिक्र आप ही किया इतने भी प्रभु ने कहा सो तुसी पलके लिए चिंता ना करो पलके अपने लिए आप ही चिंता की है हुण मारो ताली जज साहब जज नूं लैंदा खिच कुच के मैं भरा तू भी चर्च आया कर कहता हुण मैं पक्की छुट्टी ऐतवार की मार देनी मैं क्या वेरी गुड अज दिल खोलिया ना सोमवार वेखो की पाता आपे दसना सोमवार च की बनाता प्रभु ने जे तुसी ओदे लई कीता ते कल डबल आशीष लई तैयार हो जाओ सारे
मैं कहा डबल आशाली तैयार हो जाओ, मैं कहा डबल हीलिंग ली तैयार हो जाओ। जिन्हें लोगों ने इस वचन पर विश्वास किया कि कल की चिंता ना कर, कल अपनी चिंता आप ही किया। पत्रस जो जेल में सी तो बाइबल के लिखा जो किसी ने अच्छ मान लो किसी फांसी होनी हो, अज मॉर्निंग सुबह फांसी होनी है तो पत्रस कितने सुता वा पता? पत्रस कैदियों के नाल रवाना की कर रहा, की कर रहा? उन्होंने है चिंता। सदरक मिस्र कैप्टन को जो अग च चले गए उन्होंने है सी चिंता। दानियल शेरां दे मान दे विच सुटे गया उन्होंने है सी चिंता। बोलो ताई लिखा अपनी सारी चिंता उस उत सुट दे, वो तेरे मनोरथा नु की करेगा। वर्ड ऑफ गॉड जो ब्लैस करता, मैं तेन बार बार कहना समा ना वेखो, ठीक है लेट मैं मानता लेट हाँ, जे इन्हों गलों तुम लैके चल गए तो एक वड्डी गवाई, वड्डी गवाई, ओ गवाई, डे गवाई, क्योंकि अज ते मन च भटकना वा, भटकना की करांगे, कौन देगा? प्रभु तो सुटेगा, प्रभु कितना आएगा? प्रभु कहता मेरे वचन वाल ध्यान दे, कहता मेरे वचन वाल वेख तेरी चिंता नहीं। कि लिखा सो पलके लिए चिंता ना करो, पलके अपनी चिंता आप ही किया, अज दे लई अज दा ही दुख किए। सब बोले आमीन। तो कंग्रेचुलेशन, प्रभु इस वचन द्वारा तुहानू सुपर डुपर ब्लैस करे। सब बोले आमीन। जेडे दे बाइबल पढ़ते हो तो हो गए जी आमीन, वो तो हो गया आमीन आमीन। और गॉड ब्लैस यू। प्रभु सब तो ठीक है, सारे अपनी अखा बंद करा, इस तो अगे नहीं जावे क्योंकि समा अज ले हैंड नहीं करा, समा ज़्यादा हो चुका, इतने समाप्ति करा। अज मेरे चीजों लड़ना नहीं कहने, जिन्होंने ज्यादा भुख लगती रोटी ना लै गया करो, खाना लै करो, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता। मैंने पता अच कि लोग रोजा रख के आए हैं, करो हाथ खड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी कमा लिया मैंने, मैं संडे शुक्रवार शनिवार बुधवार ये मेरे चार फास्टिंग होंगे आ। अज भी मैं जो इतने रोंड दे होना ना रोल दे उदो मेरा फास्टिंग हों, समझ लगती? जो गाईदा, जो वचन देता, जो प्रेयर करी दी है, लोगों की अखा खिल खुल दियाँ। क्योंकि पलूस ने किया कहती मोतीस नू आंदा तेरी अपने वचन की करी राखी करी, अपने अपने अते सुन वाले नू की करी बचाई, आंदा जिहड़ी तैनू दात दित्ती उहदी बेपरवाही की आ ना करी। इस करके मेरे जीजो जिहड़ियां भी ड्यूटियां लगियां उन्होंने सुपर डुपर खड़े रहना वा, आमीन। और अपनी जमीन वाल भी ध्यान देना सारिया ने, जिहड़ा बंद किया मेरे भैन भरा शुरू करो, क्योंकि जमीन की गल चल रही है। क्योंकि वेखो बड़े पैसे की लौड़ है, उन्हें मेरे को पैसा नहीं आ। मैं कहना कि मेरे भैन भरा मेरे ना हेल्प करो, आप एक वड्डी संस्था बनावे, क्योंकि इन्ने लोग इन्ने लोगों च नहीं रहना, आप लखा की भीड़ा च जाना वा। क्योंकि बड़े लोग मर रहे जेडे बाइबल तो बिना वा, इतने नहीं आते, मरे ने, क्योंकि उन्होंने पता नहीं आ कितों निकलना किधर दी निकलना, घूम के एरिए बेचारे की होए आ फसे आ। आओ सारे अपने सिरों से हाथ रखा और अपना बीज देना बंद नहीं करना, चर्च की हैल्प बंद नहीं करनी, गरीबों को खाना खुवाना बंद नहीं करना, कपड़े देने बंद नहीं करने, हर एक की मदद करनी मेरे जीजो, आमीन। सब अपनी अखा बंद करो। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कर दो प्रभु, अज के सारे इंतजाम को ताने सामर्थी हाथ देने प्रभु, को ताने बच्चों ने ताने पवित्र वचना सुनिया, इन्होंने जीवन 100 गुणा फल आए प्रभु जी। अब वर्शिप के द्वारा प्रभु जी इस बंधना तोड़िया मेरे खुदा, मैं विश्वास करता परमेश्वर ताकि प्रेजेंस इस जगह पर मेरे खुदा, हर उस शैतानी विधियां गिर जान, अंधकार गिर जाए यीशु के नाम के विच। प्रभु यीशु मसीह अज ताडे बच्चों ने दिल तो जो ताडे वचनां नू सुनिया और जो लेट आउंदे प्रभु इस समय सिर आउण, असीं हर काम समय सिर करिए प्रभु, और प्रभु ताडा हाथ इन्हां दे उपर आ जाए प्रभु। अजे मेहनत वाले बन, इन्हां नू पता लग चुका कि जिहड़ा जंगली शोषण नू दिंदा, जिहड़ा जो शैतान दे लोग जंगली बूटी नू प्रभु पाउण वास्ते दिंदा, अज हैगे कल नहीं आ। तो परमेश्वर कहता थोड़ी प्रतीत वाले मैं तुहानू उन्हां तों बुद्धि इक दवांगा, असीं जीजस दे बच्चे हाँ, सानू किसी भी चीज़ की थुड़ नहीं होएगी। अच्छे वस्त्र होणगे, अच्छियां गड्डियां होणगियां, और हर वो चीज़ प्रभु तुसीं साडे मुहैया करदे, साडे बैंक बैलेंस लैस होणगे प्रभु। धन्यवाद करदे, तेरे वचन च लिखा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर परमेश्वर। मैं धन्यवाद करदा सारी कलीसिया नूं अपने हाथ लो, वलंटियर नूं अपने हाथ लो, मजीशन वाले बच्चों नूं हाथ लो प्रभु जी, ताडा दास इन्हां नूं झिड़कदा नहीं प्रभु जी, इन्हां नूं एक एक चीज़ की आदत पै रही है कि अपना फोकस नहीं गवाना, अपने फोकस नूं नहीं गवाना। जिते ड्यूटी कर रहा हर एक बंदा पूरी वफादारी नाल ड्यूटी करे, एक एक चकन्ना होकर ड्यूटी करे। धन्यवाद करो फस्ट।
गोपाल जी के वास्ते, वे संतों के वास्ते, गुरदास जी के वास्ते, कवैर के वास्ते, पूरी कलीसिया वलंटियर अपने आप को प्रभु तुहाडे सामर दिया देना, और जिन्हें लोग आंढ गवांढे वचन सुन रहे प्रभु इन्हां दे जीवन 100 गुना फल लाए, सारी महिमा तुहानू दे यीशु के नामे आमीन आमीन आमीन। सब प्रभु ने प्रेर करांगे, आए साडे बाप परमेश्वर ते तुहाडा नाम पाक मने जाए, तुहाडा राज आए, तुहाडी मर्जी इस तरह समान ते पूरी दी, जमीन ते पूरी, साडे रोज की रोटी असन दे, साडे चूर सानू माफ, जिस तरह असीं अपने चूर वालां नू माफ करदे, सानू जमैश विच ना पाए, सो बड़ाई तो बचा, तेरे बादशाह कुदरत चला हमेशा सदा रहे। सब बोले आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर अज्ज दे दान वास्ते प्रेर करदे प्रभु, जो तुहाडे बच्चियां ने हाथ वधाया, और जिन्ने तुहाडे बच्चे प्रभु जगह दे वास्ते मेहनत कर रहे प्रभु, जो घरां दे विच गले ला के प्रभु तुहाडे दास दे नाल मिल के सेवा कर रहे प्रभु, जिस तरह ये चर्च की गैदरिंग बने उसे तरह इन्हां दे बिजनेस फलवंत होण प्रभु जी, और जिन्हें भैन भरा प्रभु जी वफादारी ना दे रहे खुदा है सेम ना वापस जान प्रभु, ये दूसरे लोगों को सिखा देन के परमेश्वर के घर चलिया, जो खुशी ना मौता खुशी ना देने वाले परमेश्वर प्यार करता, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी खुशी काटते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते, सारी महिमा तुहानू देवे यीशु के नाम में। खुदा बाप की मोहब्बत, रूहे पाक की रफाकत और शराकत हुण तो लैके हमेशा तक साढ़े सारे ना हुंदी रहे। सब बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर तनु सब नु ब्लेस करे। सब बोले आमीन। ठीक है, सब आराम ना, आप अपनी दरियां चुकनियां, पहले मत्था टेके।